Hello guys, good morning. Today we are going to discuss about 59 modifier. I will let you know what is 59 modifier and where you can use the 59 modifier. Guys, basically 59 modifier किस लिए use होता है? ये use होता है distinct procedures show करने के लिए. ठीक है guys? और ये जो modifier है, आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? ज़्यादातर ये आपको use करने को मिलेगा किसमें? Integumentary chapter में. Integumentary chapter में कहाँ पे? Repair में. ठीक है, वहाँ पे मिलेगा ज़्यादातर आपको, ये वहीं पे मिलेगा. आज के टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 59 मॉडिफायर को लेके, तो वो आपको ज़्यादातर जो पूछा जा रहा है वो कहाँ पूछा जा रहा है? इंटेगुमेंटी चैप्टर में. ठीक है, तो इसको मोर डिटेल में जानने के लिए मैंने एक PDF बनाया है, तो हम वहाँ से पढ़ते हैं, जिससे कि आपको एक बेटर आइडिया लगेगा कि 59 मॉडिफायर होता क्या है. और उसके एग्जाम्पल भी मैंने आगे दे रखे हैं कि क्या इसका एग्जाम्पल है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 59 मॉडिफायर हमें कैसे अपेंड करना है, कहाँ अपेंड करना है. तो गाइज चलिए आगे PDF देख लेते हैं. गाइज देखिए, यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहा है कि व्हाट इज 59 मॉडिफायर. 59 मॉडिफायर होता क्या है? 59 मॉडिफायर डिस्क्राइब क्या करता है? डिस्टिंक्ट प्रोसीजर सर्विस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एंड इज यूज टू आइडेंटिफाई प्रोसीजर एंड सर्विस दैट आर नॉट नॉर्मली रिपोर्टेड टुगेदर. मतलब इसका कहने वाला भी है, जो भी सर्विस हम एक साथ रिपोर्ट नहीं कर सकते, उस टाइम पे वी हैव टू यूज लाइक 59 मॉडिफायर. ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है. अ पेशेंट हैड एन कोलोनोस्कोपी एंड अ लेजन इज रिमूव प्रॉक्सिमल टू द स्प्लेनिक फ्रैक्चर. ड्यूरिंग द सेम कोलोनोस्कोपी अ बायोप्सी इज टेकन ऑफ अ डिफरेंट लीजन, बोथ कोर्स आर रिपोर्टेबल यूजिंग 59 मॉडिफायर ऑन द सेकेंड प्रोसीजर. मतलब क्या है, उसको हमें डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए वी हैव टू अपेंड लाइक 59 मॉडिफायर टू द सेकेंड प्रोसीजर. अभी इसके पर्टिकुलरली एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. देखो भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मॉडिफायर अपने को कहाँ यूज़ करना है. ये ज़्यादातर आपको जो यूज़ करना पड़ेगा वो यूज़ करना है इंटेगुमेंटी चैप्टर में, जो भी रिपेयर वाले. वहाँ पे क्या है ना, जैसे रिपेयर है, मान लो अपना रिपेयर जो होता है वो एक सिंगल प्रोसीजर होता है. रिपेयर के अंदर भी क्या होता है, तीन टाइप का रिपेयर होता है, सिंपल रिपेयर, इंटरमीडिएट रिपेयर एंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो उन डिफरेंट टाइप के जो रिपेयर्स हैं, मतलब उनको दिखाने के लिए वी हैव टू अपेंड लाइक 59 मॉडिफायर. मतलब सिंगल प्रोसीजर हुआ, बट जो डिस्टिंक्ट दिखाना है वो हमें कैसे दिखाना है, कि लाइक एक इंटरमीडिएट है और एक कॉम्प्लेक्स है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स है या फिर एक सिंपल है. तो इस तरीके से वी हैव टू अपेंड लाइक 59 मॉडिफायर. इससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है. अ 13 ईयर ओल्ड मैरी फेल ऑफ हर बाइसाइकिल इनटू ब्रोकन ग्लास दैट वाज ऑन द ग्राउंड. आफ्टर अराइवल टू द हॉस्पिटल ईडी डिपार्टमेंट अटेंडिंग फिजिशियन परफॉर्म अ सिंगल लेयर क्लोजर ऑफ अ 3 सेंटीमीटर लेसरेशन ऑन हर हैंड एंड 5 सेंटीमीटर लेसरेशन ऑन हर फुट. ही परफॉर्म लेयर क्लोजर ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन फेस ओवर द एनकाउंटर. देखो उसने क्या किया है, सिंगल रिपेयर क्लोजर किया है. एक उसने क्या किया है, उसने लेयर्ड, मतलब इंटरमीडिएट रिपेयर में आता है ये हमारा. ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, लाइक दोनों टाइप के रिपेयर को जब हम शो करेंगे, तो यहाँ पे वी हैव टू अपेंड लाइक 59 मॉडिफायर. विद द 59 मॉडिफायर हम यूज करेंगे जो लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, लाइक सिंगल लेयर प्रोसीजर, उसके साथ में यूज करते हैं. तो गाइज आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बेसिकली हमें 59 मॉडिफायर कहाँ यूज करना होता है. मतलब सिंगल प्रोसीजर हो रहा है, सिंगल प्रोसीजर के अंदर ही डिस्टिंक्ट प्रोसीजर शो करना है. लाइक जैसे मान लो रिपेयर है, रिपेयर के अंदर क्या है, तीन टाइप के रिपेयर हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, एक हो गया सिंपल, एक हो गया इंटरमीडिएट, एक हो गया कॉम्प्लेक्स. ठीक है, बट उन दोनों रिपेयर या तीनों रिपेयर को हम कैसे शो करेंगे 59 मॉडिफायर दिखा के, कि ये सिंपल है, ये इंटरमीडिएट है. ठीक है, ये बेस पे ये एग्जांपल दे रखा है. यहाँ पे क्या था, सिंगल रिपेयर क्लोजर कर रहा है और इंटरमीडिएट कर रहा है, तो सिंगल को हमने किसके साथ दिखाया, 59 मॉडिफायर के साथ में. जो हमारा मोर कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम मॉडिफायर के साथ में शो नहीं करते हैं, उसका पूरा पैसा जाता है, और जो लेस कॉम्प्लेक्स होता है उसका आधा पैसा जाता है. तो इसीलिए वी हैव टू अपेंड 59 मॉडिफायर विद द सिंपल प्रोसीजर. ठीक है, ये एग्जांपल था इसका. अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, अ फिजिशियन परफॉर्म एक्सप्लोरेशन ऑफ पेनिट्रिंग वुंड ऑफ द नेक ड्यूरिंग द सेम सर्जिकल सेशन. ही ऑल्सो परफॉर्म एन एक्सप्लोरेशन ऑफ अ पेनिट्रिंग वुंड ऑन द लेग. हाउ वुड दिस सर्विस बी रिपोर्टेड. अब देखो क्या क्या हुआ है, एक्सप्लोरेशन ऑफ वुंड हुआ है नेक पे और कहाँ पे हुआ है, लेग पे. ठीक है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है मतलब सिंगल प्रोसीजर हो गया. ठीक है, और एक हो रहा है एक्सप्लोरेशन कहाँ पे, एक हो रहा है अपना नेक पे, एक हो रहा है लेग पे. तो हमें दोनों को डिस्टिंक्ट दिखाना पड़ेगा, सिंगल प्रोसीजर, बट वी हैव टू शो दैट लेग के लिए अलग है और नेक के लिए अलग है. तो इसलिए वी हैव टू अपेंड लाइक 59 मॉडिफायर, और जो लेस कॉम्प्लेक्स वन होगा, लाइक नेक के साथ में हमने पूरा पैसा दिया है, 20100 कोड के साथ में हमने पूरा पैसा दिया है, इसीलिए वी आर कोडिंग इट विदाउट एनी मॉडिफायर, एंड 20103 जो है वो हम मॉडिफायर यूज कर रहे हैं. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. गाइज बेसिकली क्या है ना, आपको ये देखना है कि सिंगल प्रोसीजर है, सिंगल प्रोसीजर में मतलब डिस्टिंक्ट हो रहा है. जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया रिपेयर, रिपेयर में तीन टाइप का रिपेयर हो गया. ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने दिया एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन एक कहाँ पे हो रहा है, एक हो रहा है नेक पे, एक हो रहा है लेग पे. तो वहाँ डिस्टिंग शो करने के लिए अपने ने 59 मॉडिफायर यूज किया है. ठीक है, बेसिकली क्या है, यू हैव टू लुक आफ्टर व्हाट प्रोसीजर्स आर गोइंग ऑन. लाइक सिंगल प्रोसीजर इज गोइंग ऑन है ना, देन यू हैव टू अपेंड लाइक 59 मॉडिफायर टू शो दैट डिस्टिंक्ट प्रोसीजर, लाइक रिपेयर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको.
अगर वहाँ पे मल्टीपल प्रोसीजर होता है, जैसे लाइक एक्सीजन हो रहा है और रिपेयर हो रहा है, तो एक्सीजन एक अलग प्रोसीजर हो गया और रिपेयर एक अलग हो गया, उस टाइम पे वी हैव टू अपेंड लाइक 51 मॉडिफायर, ठीक है, टू सो दैट इट इज अ मल्टीपल प्रोसीजर। और जो अपना डिस्टिंक्ट प्रोसीजर है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 59 मॉडिफायर। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया केवल रिपेयर हो रहा है, और दूसरा एग्जांपल था जैसे एक्सप्लोरेशन हो रहा है, एक नेक पे हो रहा है, एक लेग पे हो रहा है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि व्हेन वी हैव टू यूज लाइक 59 मॉडिफायर, 59 मॉडिफायर वी हैव टू यूज टू सो दैट इट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसीजर। आपको मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया है, और बेसिकली ये जो 59 मॉडिफायर है आपको ज्यादातर आज के टाइम पे जो क्वेश्चन में पूछेगा वो पूछेगा इंटेगुमेंट्री में, और इंटेगुमेंट्री में कहां पे पूछेगा, वो पूछेगा आपसे रिपेयर वाले में। जैसे कि मैंने बताया केवल रिपेयर हो रहा होगा ना, अगर केवल डॉक्टर लेसेशन कर रहा होगा या लेसेशन और रिपेयर सेम चीज है, अगर वो चीज कर रहा है केवल, ठीक है, एक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा है, तो एट दैट टाइम टू सो दैट डिस्टिंक्ट प्रोसीजर लाइक सिंपल है या इंटरमीडिएट है या कॉम्प्लेक्स है, तो उनको शो करने के लिए वी हैव टू अपेंड लाइक 59 मॉडिफायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट 22 मॉडिफायर दैट इज यूज फॉर द इंक्रीज पर, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, लाइक इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।